अब हर ओर होगा जश्न कामयाबी का शोर, क्योंकि टेस्ट बुक लेकर आया है अप टू 90% ऑफ वंस मोर। जी हाँ, इस 20, 21 और 22 अप्रैल को टेस्ट बुक लेकर आया है सभी सुपर कोचिंग जैसे SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, UPSC एंड स्टेट PSC पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो जनाब, देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठाइए और हम जल्द आएंगे आपको देने सिलेक्शन की मुबारकबाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका यहाँ जब भी दिख रहा है, रोज 3:30 में जो होती है आपकी मास्टर क्लास, तो अगर आप लोगों ने मास्टर क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया देन डू ज्वाइन दिस मास्टर क्लास। और इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली अपडेट्स वगैरह जो होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। चलिए, एक बार बस मुझे कन्फर्मेशन दे दीजिएगा सारे लोग कि सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है, ताकि हम लोग अपने सेशन को आगे की तरफ बढ़ा पाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? है कथा संग्राम की, विश्वास की, विश्व के कल्याण की, धर्म की। अरे मुझे ये बड़ा पसंद है, वो महाभारत का एक्सट्रीमली प्राजक्ता है। गुड, नॉट गुड बट या सो काइंड ऑफ, काम तो काम होता है। गुड इवनिंग, सब सही है, सब सही है, सही सही। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ आते ही। पहला सवाल जो है आपके सामने क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर हम पढ़ते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसमें क्या दिया है कि हर एक सिटीजन का ये अधिकार है कि अपहोल्ड करना सोवरेनिटी और क्या है, यूनिटी इंटीग्रिटी को, लिबर्टी इक्वालिटी को, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को, स्पिरिचुअलिटी या फिर यूनिटी को। अब ये आया एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब देखते हैं कि आप लोग का जवाब जो है इसमें से क्या आएगा। मैम बी पक्का, मैम सी पक्का, तो बी और सी जो है इसके बीच में द्वंद चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कुछ लोगों ने बोला मैम बी बी बी, कुछ लोगों ने कहा सी, तो बी बोलने वाले का जो लोग हैं उनकी मेजोरिटी परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, तो चलते हैं किसके साथ, यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ। किसके साथ? यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बात कही गई है आपके फंडामेंटल ड्यूटी। अब जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं कि मैम जब बात होती है फंडामेंटल ड्यूटी, तो मैम ये किसी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होती है, नॉट इन्फोर्सिबल, दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल। हाँ, तुम इसको इन्फोर्स करवा सकते हो इनडायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज क्या है मैम, ये 1976 में लाई गई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका क्या किया गया था मैम, ये आपका लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आपका ये लाया गया था। इसके अलावा और क्या, मैडम इंदिरा नेहरू गांधी के द्वारा लाया गया था और आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको लाया गया था। ध्यान आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस द प्रोजेक्ट आरोहण, एक आरोहण प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि स्टूडेंट को उनकी स्किल को डेवलप करने में मदद किया जा सके। असल में ये जो आरोहण प्रोजेक्ट है, ये 4 साल का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही गई थी 2022 में, किस गवर्नमेंट के द्वारा? आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, किस गवर्नमेंट के द्वारा मैम? तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कही गई थी कि हम इसमें स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अब जैसे ये एक हो गया प्रोजेक्ट आरोहण हो गया, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में लगा लो। दूसरा एक स्टूडेंट हेल्थ बिल, स्टूडेंट हेल्थ बिल, कौन सा स्टूडेंट हेल्थ बिल, कहाँ पे लाया गया था? जम्मू कश्मीर लाया गया, ताकि हर एक स्टूडेंट को टीकाकरण मिल रहा है सही तरीके से, क्या वो सारी सुविधाएं जो हैं क्या उसको वो मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हेलो हेलो, तुम लोग का IPL खत्म हुआ क्या? IPL अभी भी चल रहा है तुम लोग का? कौन जीता कौन हारा? चलिए आसान, आगे देख लीजिए। जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए डेड प्लांट्स की या एनिमल्स की, जो कि रॉक्स के लेयर में फंसते, उसे अपन क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन? फॉसिल बोलते हैं। क्या वो डेड प्लांट, जो प्लांट मर गए हैं, एनिमल मर गए हैं, उनका जो एनिमल जो मरे हुए होते हैं ना,
उनका जो रिमेन्स बच जाता है, जो अवशेष उनके बच जाते हैं, जो रॉक्स वगैरह में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉसिल बोलते हैं। आगे देख लीजिए, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या क्या, स्पीड क्या है? तुमको अभी यहाँ से दौड़ाना शुरू करे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से दौड़ाना शुरू करे और बोले कि तुम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में तुमने कितना डिस्टेंस जो है वो तुमने कवर किया है, क्या बोलेंगे? तुमको अभी यहाँ से दौड़ाना शुरू करे कि चलो बेटा दौड़ना शुरू करो, आप जीते हम हारे ये डायलॉग पुराना हो गया है, मैं मैच नहीं देखता, जा कैसे इंसान हो तुम। ठीक है चलिए, ग्रेट, आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। सेंसेक्स जो है इंडिया का, सेंसेक्स क्या होता है? अरे यहाँ साफ से तो लिखा है जनगणना लिखा है, क्या लिखा है? जनों की गणना, हिंदी पे आ जाते हैं। सेंसेक्स बोले तो मैम जनों की गणना, कितने जन है उनकी गिनतियां, तो बोले तो मैम पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की, पॉल्यूशन मत कर दियो बेटा, पॉपुलेशन की जगह पे पॉल्यूशन मत कर देना। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण, प्रदूषक, प्रदूषण वो होता है। ठीक है आगे बढ़िएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, हाँ समझना मैं हिंदी भी कर दे रही हूँ, कौन सा इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करना, देखना रेखना इन्वेस्टर की फैसिलिटी को, उनको फैसिलिट कराना स्टॉक मार्केट में इंटरमीडिएटरीज की तरह, वो कौन करता है? चलिए ये हिंदी वाले भी देख लेंगे एक बार जल्दी से फटाफट तरीके से। मैम सेबी 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 सेबी, बोर्ड सबको क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या बोर्ड सबको क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ग्रेट। एक बार जो बाकी लोग हैं, एक काम कीजिएगा आप लोग, एक बार अपने को रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्या करना है आपको, रिफ्रेश कर। क्या बोला मैम? मैम अभी ORS पर चल रही है, पता ना ORS की घोल पिलाओ, हाइड्रेशन के। ओके क्या कहा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या आगे देख लेते जल्दी से, आपको बताना है कि एक नॉवेल लिखी गई थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, विच द नॉवेल इज बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलन देवी, और ये लिखी गई थी ऑथर रॉय मॉक्सम जी के द्वारा। फूलन देवी को आप सभी जानते हैं, समाज की कुरीतियों के अलावा उन्होंने उस कहानी को दर्शाया है जब उनको जिन लोगों ने परेशान किया था, या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो उनके रेपिस्ट थे, है ना, जैसे उन्होंने खड़ा कर रखी जितने भी लोग थे जो दबाव बनाती थी नीची जाति पर, बहुत सारी चीज़ें टाइम पीरियड पर, तो एक लाइन पर खड़े हो गए जो गोली मारी थी, बहुत ही फेमस उस टाइम पे। तो इनके बारे में जो किताब लिखी गई थी वो असल में मैं बताती हूँ, जेल में बैठे हुए थे और तब वो जेल में बैठ के इनके ऊपर वो जो किताब थी वो लिखी गई थी। चलिए, डाकू बैंडिट क्वीन, अच्छा तो जवाब मेरे पास आ चुके, एक डाकू आया है और एक बैंडिट क्वीन आया है मेरे पास। ठीक है ए ए ए ए ए क्या है? आउटलॉ, इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड, क्या है मैम? इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड, ये किताब आपकी जो लिखी गई। नेक्स्ट वन, वेयर डज द ईस्टर्न कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया लाइज? अगर हम बात करते हैं भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है, तो मैम ये तटीय मैदान भारत का कहाँ पे स्थित है? दो चीजें हैं, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट, किसके बीच में लाई कर रहा है हमारा? बे ऑफ बंगाल के बीच में मैम, कहाँ मैम? घाट पे। ध्यान दो ना सवाल पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूछा है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे होगा? ये तो वो वाली बात हो गई कि मैम सवाल में ही जो है आपका जवाब इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है ना। आगे देख लीजिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि डैश इज अ पार्लियामेंट ऑफ यूके दैट पार्टीशन द ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। मतलब मैम असल में हमारे पास ना इंडिया के दो हिस्से थे, इंडिया के जिन हिस्सों पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था, इंडिया के जिन हिस्सों पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था, हम उसे क्या बोलते थे? अपन उसे बुलाते थे ब्रिटिश इंडिया बुलाते थे उस पर्टिकुलर जगह को। अब उसको
किस प्लान के थ्रू चेंज किया गया, बंटवारा किया गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया 1947 में, इसके जरिए दो स्टेट बनते हैं आपके। असल में पहले वो तो माउंट बैटन प्लान था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि उसी टाइम पे आप सबको पता था कि धर्म के आधार पे बना है, और इंडिया हमेशा से इंसानियत के आधार पे था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में कब डिफीट किया? आप ध्यान दो, 1526 में क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां तुम्हारे फ्लैट के आसपास अगर कॉलेज हुआ, और जैसे ही शाम हुआ, इन कॉलेज वालों को, तुम लोगों को पता नहीं, वो नहीं रहता है कि बुलेट घुमाना है, लड़की घुमाना है बुलेट पे बैठा के, है ना, थोड़ा स्वैग दिखाना है, पता नहीं। हमें कॉलेज के टाइम पे इस बात की टेंशन होती थी कि किसका पैकेज कितने ज्यादा का लगने वाला है। आधे लोग इस टेंशन में थे कि अरे दिव्या तुम दुबई क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारा हो चुका है। एक्चुअली दुबई में मैक्सिम जो थे, मैक्सिम इंडियन फर्म्स होते थे दुबई में, मैक्सिम आज भी है, इंडियन लॉ फर्म ज्यादा है दुबई के अंतर्गत। तो जैसे अब सिलेक्शन हो गया, कैंपस सिलेक्शन हो गया, अब दुबई में जॉब लग गई, और मुझे इंडिया के बाहर जाना नहीं, क्यों नहीं जाना था, मेरा फोरमोस्ट रीजन था कि मुझे पापा मम्मा से दूर नहीं जाना है, पापा भाई भैया से दूर नहीं जाना है। जहाँ पे तुमको वापस लौटने के लिए सोचना पड़ेगा, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं लौटने के लिए सोचना पड़ेगा, ऐसा डिस्टेंस रखो कि एक दिन में आदमी आ जा सके, एक दिन में आदमी चला जाए, एटलीस्ट पहुंच जाए एक टाइम पीरियड पर। ये मेरा मेन रीजन था कि मैंने बैंगलुरु का कॉलेज नहीं लिया था, जबकि वो टॉप नंबर का कॉलेज था, स्टिल मैंने वो नहीं लिया था। भाई अगर फ्लाइट नहीं मिली, फ्लाइट महंगी हो गई, तो ट्रेन से आने में 3 दिन लग जाएंगे घर आने में। खैर, तो हमारे तो ये डिस्कशन चलता था कि अरे यार तुम दुबई नहीं जा रही हो, हमें मिलता तो हम चले जाते, इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कौन ठुकराता है, ये मौका कभी दोबारा नहीं आएगा। तो हम लोग इस डिस्कशन में व्यस्त रहते थे। ये आजकल के लड़कों को देखो, बुलेट चमका रहे हैं, साइलेंसर लगा रहे हैं। सच ये कि आपके पास मैटर्स आए थे, तो अब कोर्ट में केस आ रहा था, मैटर आ रहा था, तो उसको करना जरूरी था ना। जब तुमको घर में अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर मतलब इंडिया में। ध्यान दो, 1526 में क्या होगा, बैटल ऑफ पानीपत होगा। अब इसमें क्या होता है मैम, रीजन क्या है इसके पीछे का, इसमें कौन होता है, इसमें आपका इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर जीत जाएगा, लोदी की सेना सबसे बड़ी होती है कंपेरेटिव, बाबर यहाँ पे जीत जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये पूरा रीजन समझना। बाबर को इनवाइट किसने किया था, बाबर को इनवाइट करने वाला था दौलत खान लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था, और उसके साथ राणा सांगा भी मौजूद थे। उन लोगों को लगा कि बाबर आएगा और क्या करेगा, बाबर आके क्या करेगा। ये माइक, आज मैंने पूरी कोशिश की रोड का माइक कनेक्ट करने की, लेकिन वो उसमें एक वायर कम पड़ रहा था, मतलब वो कनेक्ट हमारा पता नहीं कैमरा ले नहीं रहा था उस रोड के माइक को। खैर ध्यान दो, तो ये बात तुमको समझ में आई। इसके बाद क्या होगा, राणा सांगा भी थे, तो राणा सांगा ने कहा कि यार हमारा प्लान क्या था कि ये तो वापस चला जाएगा, बाबर यहाँ पे आएगा, लोदी को हटाएगा, और लोदी को हटाने के बाद वो भारत से चला जाएगा पैसे वैसे लेके। लेकिन यहाँ तो प्लान उल्टा पड़ गया, इस व्यक्ति को तो रहने का ठिकाने नहीं था, ये तो कब से आने की कोशिश कर रहा था भारत। तो ठीक है, एक साल बाद 1526 और 1527 में क्या होगा, बैटल ऑफ खानवा होगा। कौन सी बैटल होगी, बैटल ऑफ खानवा। याद रखिएगा, ये आपके आखिरी राजा थे जिन्होंने एक छत्र तरीके से राज किया था। इसके बाद तो मैक्सिम राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, कुछ लोग उसके अलायंस के अंदर आ गए थे, कुछ लोगों ने अपनी बेटियों की शादी इनसे कर दी थी, राइट। तो इनके टाइम पे ही पति पार्वन की प्रथा जो है वो आखिरी वक्त हुई थी। पति पार्वन क्या होता है, एक राजपूताना झंडा लगता था, और उस राजपूताने झंडे के अंदर जितने भी राजपूत थे, वो सारे राजपूत उस राजपूताने झंडे के नीचे आके इकट्ठित होते थे। आगे ध्यान देना, एंशंट साइट जो लोथल है, लोथल उस टाइम पे पोर्ट हुआ करता था, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। अरे सामान नहीं भेज पाओगे तो कैसे काम चलेगा, क्या बोले मैम ये कहाँ पे, आपके गुजरात में। अभी यहाँ पे तो ट्रीटी भी साइन हुई है, गुजरात वालों ने पुर्तगाल वालों के साथ एक ट्रीटी भी साइन करी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लासिकल डांस फॉर्म जिसे टी बाला सरस्वती जिससे जुड़े हुए हैं, वो डांस फॉर्म कौन सा है। मैम अगर दुबई जाती तो आज हम लोग स्टूडेंट आपके पास नहीं पढ़ रहे होते, हम जैसे अच्छे स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलते, आपको प्यार करने वाले स्टूडेंट्स कहाँ से मिलते हैं। ये बात तो सही है, दैट्स ट्रू। चलिए बताइएगा कौन सा डांस फॉर्म है। चलो आई विल गिव यू हिंट,
डांस फॉर्म जो है ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म, ये डांस फॉर्म जो है जो प्रचलित है वो तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। एनीवन? भरतनाट्यम, 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 भरतनाट्यम। क्या बोला हमने मैम? भरतनाट्यम। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह जो है नेशन वाइड में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? अब यहाँ पे देखो एक डेट नहीं है, जिस डेट पे उन्होंने किया था वो डेट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या जवाब दोगे? ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी यही काम करती है, हर बार सवाल को गलत करती है और फिर बोलती है कि अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो हम तुम्हें मार्क्स दे देंगे। चलो ईयर है ही नहीं यहाँ पे, बताओ जल्दी से। अरे 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 अरे, अरे। हो गया 1916 चंपारण, 1916 चंपारण। चलो मैं तुम लोग के डाउट क्लियर करती हूँ, रुको। चंपारण का सत्याग्रह था इनका, वेरी गुड, राइट। सवाल यहाँ पे खेल गया है तुम्हारे, क्यों, क्या लिखा है यहाँ पे? वापस पढ़ो, अब वापस पढ़ो। चंपारण का सत्याग्रह का डेट यहाँ पे है ही नहीं, तो अब क्या करोगे कि मैम चंपारण तो सबसे पहला सत्याग्रह था इनका, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया, यहाँ पे क्या पूछा? नेशन वाइड, ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछ दिया कि बताइए कि नेशन वाइड सत्याग्रह जो है मैम ये कब लॉन्च किया गया? कोई ब्लैक एक्ट आया था क्या जिसके लिए पूरे देश में लॉन्च किया गया, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति पे लागू हो रहा था, देश के हर एक व्यक्ति पे ये लागू हो रहा था? कुछ ऐसा एक्ट आया था क्या कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन उससे इफेक्टेड नहीं था? ना तो सिर्फ बंगाल उससे इफेक्टेड था, ना उससे बिहार सिर्फ इफेक्टेड था, बल्कि उससे हर एक व्यक्ति इफेक्टेड था। कुछ याद आया? ये जो शब्द है ना ये पॉलिटी का पूरा खेल बदलते हैं मैम। 1919, 1919 रॉयल टैक्ट, 1919 रॉयल टैक्ट। बात समझ में आया? मैं आपने अपने जीएस इतना बढ़िया कैसे किया? 1919 बेटा, अगर लॉयर का जीएस बढ़िया नहीं होगा तो फिर किसी का जीएस बढ़िया नहीं होगा, पूरे 5 साल जीएस छोड़ के और करते क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर तुमने लॉ व्यवस्था ही नहीं पढ़ी तो तुमने और क्या पढ़ा है? और अगर तुम केस लड़ने जा रहे हो, तुमने लॉ की किताबें पढ़ी तो तुम केस लड़ने जा रहे हो अच्छे लॉयर की। हमारे सेमेस्टर में बहुत ऐसे लोग थे जिनको करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं होती थी, स्टैटिक की नॉलेज नहीं होती, तो वहां पे मात खाते थे। मान लो कोई केस आया जिस केस से मौत हुई है, जहर से मौत हुई है, ठीक है? अब तुमने कहा हमने तो लॉ पढ़ा है, हमने तो जीके पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? मैं कुछ पार्ट जो होता है आपको, कुछ पार्ट साइंस का भी होता है। मान लो किसी के हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, तो रिपोर्ट में ऐसा आता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन अगर आप खाली नहीं, तो बात नहीं बताया जाता स्टूडेंट में कौन कैसा हो स्टूडेंट को। चलो ध्यान दो, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो है ये कितना डाइटरी अलाउंसेस होता है? कहने का मतलब ये कि तरीके बहुत सारे होते हैं, अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसके मरने के, मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप चीज़ों को नहीं जानते हो प्रॉपर तरीके से, केस स्टडी नहीं करते, चीज़ों को नहीं जानते हो, अगर अपना नॉलेज का एरिया बड़ा नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बाय द वे ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है कि बैलेंस डाइट प्लस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, या रिक्वायर्ड जितना खाना रिक्वायर्ड है उतना खाइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के साथ। चलिए बी बट नॉट श्योर, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। हाय तौबा, मेरे आज के युग के बच्चों, इंटरमिटेंट फास्टिंग अब चल रखा है ना? ऊपर सदगुरु जी ने भी जब से कह दिया है, और उसके बाद जब से चल गया वेट लूज करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो, है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो, 16 घंटे का गैप लो, 18 घंटे में खाओ, है ना? अरे तौबा, मार खाओगे, 18 घंटे खाओ और 16 आवर का क्या कर दो भाई, इनके हिसाब से गैप कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, क्या बोला? रिक्वायर्ड जितना खाना रिक्वायर्ड है उसको देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। तुम अगर ज्यादा खाना खा लेते हो, तुम देखते हो कभी कभी वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अनपच की बीमारी हो जाती है, हैजा हो जाता है, खाना शुरू करो देखो वो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, नहीं क्या बोलते, जितनी भूख है उसे थोड़ा सा बस कम खाओ, ऐसा बोलते हैं, राइट? मोटापे का कई बार जो आपका रीजन होता है वो ये भी होता है कि जब खाना टाइम से नहीं खाते हो,
स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तुम टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, तुम टाइमली खाना खा ले रहे हो, है ना, तो वो एक वन ऑफ द मेजर रीजन होता है आपके वेट गेन का, कि तुम्हें सुबह खाना, तुम सुबह के रात में खाना खा रहे हो, सुबह खाना तुम बहुत भूख लगी तुम शाम को खा ले रहे हो, है ना, तो ये मेन रीजन था क्या यार तुम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सटेंड न्यूट्रिशन, वाह वाह, उफ, बाय द वे ध्यान दीजिएगा शुगर डायनेस्टी के बारे में, ध्यान दीजिएगा कैम जो आपका शुंग वंश था इसकी स्थापना किसने करी थी, जल्दी से बताइएगा। तो मैम इसकी स्थापना पुष्यमित्रा ने की थी, कहते हैं 36 साल तक इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने शासन किया था। आगे बढ़िएगा, कथक डांसर जिनको रिसीव हुआ है पद्म विभूषण ये कौन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको हिंट की जरूरत है, पंडित बिरजू महाराज, कौन मैम, पंडित बिरजू महाराज। अगला, फेस्टिवल ऑफ सलहेश जो है ये मैम फेस्टिवल ऑफ सलहेश कहाँ का त्योहार है, राष्ट्रीय एकता, यूनिटी और शीत ऋतु जो आ रही है आपकी सावन, तो एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इस त्योहार को क्या किया जाता है मैम, मनाया जाता है कहाँ पे मैम, सलहेश का त्योहार बिहार में, कहाँ मनाया जाता है मैम, बिहार, क्या आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अरे बाबा ध्यान से देखना, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मतलब मैम मैं एरिया के हिसाब से पूछ रही हूँ, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो इसके यहाँ पे एरिया कम है लेकिन लोग क्या है, लोग यहाँ पे ज्यादा है, ये बस डिफरेंस है यहाँ पे, बताओ। इंडिया के बाद, इंडिया के बाद, इंडिया में बहुत है बच्चा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश 4,004,096, ठीक है ओके, इंडिया में तुम्हें पता है 51,703, 51,000, हाँ 703 पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के संसद, बाय द वे ये क्या होगा मैम, ये होगा बांग्लादेश। अच्छा पूछ दिया कि पहले वन चाइल्ड पॉलिसी किसके यहाँ थी, वन चाइल्ड पॉलिसी पहले किसके यहाँ थी, चाइना के यहाँ जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही थी, मतलब बढ़ती जा रही थी, उसको देख के इन लोगों ने क्या लेके आए थे, ये लोग वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे। अब इसके जस्ट बाद इन लोगों ने देखा कि मेरे यहाँ आबादी कंट्रोल में आ गई है, तो लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया कि अब आप दो चाइल्ड पॉलिसी रख सकते हो। अब जैसे हमें क्या सिखाया गया था, हमारी सरकार ने पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ देखा तो हमें बोला हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इंडिया में कितना नारा चला, अभी उसके ऊपर काफी राजनीति भी चल रही है कि आपने सिर्फ एक समुदाय को बोला दूसरे समुदाय को नहीं बोला, ये वो करके। चलो आगे बढ़ते हैं, द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सर्फेस, जब आपकी चट्टान जो है वो आपके टूटना शुरू करे, कहाँ पे टूटना शुरू करे, जमीन पे, मतलब तुम्हारा सर जब मम्मी उस पर ना दे मारे या पापा जो तुम्हारा सर उसके ऊपर ना दे मारे, तो अच्छा बचपन में कितने लोगों ने थप्पड़ खाया है घर पे, जरा बताना, तो बचपन में कितने लोगों ने थप्पड़ खाया है घर पे, वेदरिंग वेदरिंग, मैंने मैंने हमने राजनीति में भी खाया है, मैंने मैंने भी खाया है मैंने भी खाया है बॉस, क्लास 10 तक, अरे बाबा अब भी खाते हो तुम पढ़, अरे तो ये तो दिक्कत है, आपने खाया है मैम, हाँ मैंने भी खाया है ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाया है थप्पड़, ओके बाय द वे मुझे पापा हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी बहुत नकचड़ी, इसको कोई डांटना मत, इसको कुछ बोलना मत, नहीं तो 2 मिनट में गुस्सा हो जाएगी, तो मेरी एक आदत थी मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता था, बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा आता था, बहुत एक्सट्रीम, और मुझे एक ही सब्जेक्ट था जिससे मुझे नफरत थी हमेशा से, और वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, है ना, मतलब मुझे उससे, मतलब उसके जितनी नफरत मुझे आज तक कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगी, मैंने हर एक सब्जेक्ट में 90 ओवर स्कोर किया, 90 ओवर किया मैंने, 95 ओवर मैंने स्कोर किया हर एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में 90 बहुत मुश्किल तक जाता था, बहुत 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 मुश्किल तक जाता था, ठीक है जब मुझे याद आया वाज इन क्लास 2 और 3 और मैं बैठी हुई थी, पापा कुछ सिखा रहे थे और उसके बाद लगे थप्पड़, मुझे एकदम जोरदार थप्पड़ लगा कि बस सिखा रहे, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें, ट्रस्ट मी वो पूरी 12th में वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो मैंने कैसे पढ़ा था वो मुझे ही पता है, पूरी केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल तो चलो 10th तक आता था, केसी सिन्हा मिन्ना एक एक पेज मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा इसी किताब से आएगा ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना, मोरलेस तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस पैटर्न हल्का बहुत चेंज कर देगा,
चीज तो यही रहेगा, मैंने कहा मैं पूरा किताब ही पढ़ जाऊंगी। चलो बाय द वे, क्या नाम है भाई, बना बनास डायरी संकुल स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में लाई गई किसके द्वारा? नरेंद्र जी के द्वारा लाई गई। अब नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सिंह तोमर, ये बताओ। मेरा मुझसे कॉल ले लो मैथ्स का, मैंने मैथ्स ऑनर्स किया। अरे नहीं, मेरे भाई की मैथ्स बहुत अच्छी थी, वो हमेशा टॉप करता था। जरूरत पड़ी नहीं ना यार, मैंने लॉ किया था, काहे की मैथ्स की जरूरत पड़ती, जरा बताओ तो। अच्छा तुम्हें आज तक तो कोई काम आया इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में? लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट का काम आता है तुमको, उसका काम आज तक आया नहीं? आया ना चलो आगे बढ़ो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? पहले इंग्लिश देख लो, फिर हिंदी में तुम लोग को दिखाती हूँ। फियाट मनी इज इश्यू विदाउट एनी बैकिंग और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर। मनी मल्टीप्लायर जो है ये रेशियो ऑफ मनी सप्लाई रिजर्व मनी में रखता है, ठीक। टाइम ऑफ डिपॉजिट के टाइम पे मनी को आप विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा एक रूल होता है ना, डिपॉजिट का रूल होता है। देखो डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, जो लोग ऑप्शन थर्ड में कंफ्यूज होंगे मैं उनको बता देती हूँ कि डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा क्या होता है मैम आपका रेकरिंग डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक बार पैसा आपने डाल दिया, अब वो जब मैच्योर होता है फिर आप जो पैसे को निकालते हो उससे पहले आप नहीं निकाल सकते उसको। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए आपने जमा करना है, ठीक है। तो आपने 1 लाख कैसे जमा करा है, 25,000 25,000 25,000 25,000 ऐसे करके आपने जमा करा है, ठीक है। आगे देखिएगा, वॉल्ट कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, पढ़ लिया। इधर हिंदी वाले देख लो जल्दी से। डी लग रहा है, डी लग रहा है, डी 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 डी, यस। अब रे वॉल्ट कैश मनी सप्लाई का हिस्सा है ये। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा डांस फॉर्म जो है ये परफॉर्म किया जाता है जब मुरुगन देव की पूजा की जाती है, तो उनके लिए नृत्य किया जाता है। मुरुगन देव कौन है मैम? मुरुगन देव जो है आपके ये तमिल गॉड ऑफ वॉर है। तो इनमें से कौन सा डांस फॉर्म जो है ये मुरुगन देव के लिए उस टाइम पीरियड पे परफॉर्म किया जाता है? और डांस फॉर्म का नाम क्या मैम? कवाडी, कवादी अत्यम, कवादी अत्यम। अगर कोई यहाँ पे साउथ इंडिया से है तो बताइए इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं भाई। नेक्स्ट वन, आपको बताना है कि जब यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा तो उसमें शासन किसका होगा? अच्छा दो चीजें हैं, यूनियन टेरिटरी होगा, कभी देखा है वहां पे केजरीवाल साहब ने पहली बार में क्यों इस्तीफा दिया? दूसरी बार उनको दिमाग आया कि भाई आप दिल्ली के सीएम हो, भले पुलिस आपके हाथ में नहीं लेकिन आप दिल्ली के सीएम हो, आप पैसा बचाइए। मस्त पैसा बचाया उन्होंने, विज्ञापन पे जबरदस्त खर्चा किया, 550 करोड़ तो विज्ञापन पे खर्च कर दिए उन्होंने सिर्फ अपने झाड़ू वाले प्रचार के ऊपर। फिर बोला कि एक काम करते हैं, पंजाब में अपनी सरकार बना लेते हैं, राइट। चलिए तो क्या कहा हमने भाई, वैसे प्रेसिडेंट साहब का। अच्छा मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताना जो दो राज्य है, ध्यान से सुनो, दो राज्य है लेकिन राजधानी एक है उसकी। वेटिंग गाइज, वेटिंग 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 वेटिंग, चंडीगढ़, 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 ठीक है। क्या बोला मैम? चंडीगढ़, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, तत्वबोधि सभा 1879 किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ मैम, दयानंद मैम, रामकृष्ण परमहंस। पहली बार गलती से जवाब निकल गया था देवेंद्रनाथ, हाँ फिर मेरे को लगा अरे नहीं तुम लोगों से पूछना है। ओके किसने कहा मैम? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही तत्वबोधि सभा जो है इनको महत्वपूर्ण तरीके से लाया गया था। उत्तर प्रथा स्वामी ये टाइटल किसको दिया गया था? धर्मपाला को, धर्मपाला, धर्मपाला, पाला डायनेस्टी के धर्मपाला। और मैम पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है जल्दी से बताइए, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो क्या बताओगे? गोपाला। बेटा सीरियस हो जाए एग्जाम में कुछ दिनों में, और पेपर बहुत 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 आसान है, जेन्युइनली बहुत आसान है, तो इतना ज्यादा उसको टफ मत करो अपने आप में सोच सोच के, अच्छे से रिलैक्स करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो एकदम बवाल तरीके से अब, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ, पंडित रविशंकर जो कि फेमस है फॉर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भाई, किस इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है?
संतूर, सरोद, वीणा या सितार? कहा मैम, सितार। आगे देखिएगा, कौन से डांसर पहले डांसर है जिनको उड़ीसी डांस के लिए, उड़ीसी डांस ऑफ फॉरेन ऑरिजिन टू बी कंफर्ड इज अ पद्मश्री मिला है 2006 में। मतलब इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, जन्म बाहर हुआ है, लेकिन ये इंडिया के डांस यानी कि ओडिसी डांस में इनको यहाँ पे अवार्ड मिल चुका है। इनका जन्म हुआ था इटली में, सिटाडेस्टी। मैं इनको ऐसे याद रखती हूँ, सिटाडेल के नाम से याद रखती हूँ, माफ कीजिएगा, हर किसी के अपने अपने ट्रिक होते हैं। नहीं तो भारतीय मूल की पहली नर्तकी है ना ये, जो भारतीय मूल से जिन्होंने जीता है। यस राइट। आगे बढ़ते हैं, ओशन का एसिडिफिकेशन जो होता है ऑन गोइंग डिक्रीज करता है पीएच अर्थ का, ओशन का। अब ये क्या कॉज करता है मैम, जल्दी से बताइएगा, इट कॉजेज व्हाट? क्या बोल रहा है ये, ध्यान दो यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि पीएच ऑफ डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ ओशन और कॉज द अपटेक ऑफ व्हाट? अर्थ का ओशन का अगर तुम पीएच अगर डिक्रीज कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखिएगा, 1929 में एक एक्ट पास किया गया था। असल में मैं आपको बताती हूँ, पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी कर देते थे, बाल विवाह। कानूनन जुर्म, तुम एक किसी व्यक्ति के जिंदगी के साथ तुम खेल रहे हो, लिटरली खेल रहे हो। तुम्हारे लिए इंसान इंसान मायने रखता, बस पैदा हुआ नहीं की शादी कर दो, पैदा हुआ नहीं की शादी कर दो, शादी तय कर दो। जब तक आज भी तुम लोग को प्यार मोहब्बत होता है, मैं बार बार एक बात कहूँ, जब तक तुमको नहीं लगता है, मैं बोलूंगी कि टेक डिसीजन आफ्टर यू आर 22 और 23, 22 23 के वक्त पे डिसीजन लो, या मैं बोलूंगी एटलीस्ट मुझे तो 20s के बाद दो फैसला, है ना। तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। जब तुम अपने टीनेज में रहते हो ना, तो तुम्हें एक अलग दुनिया में रहते हो, तुम्हारे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तुम्हें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। तुम देखना, तुम अगर 10th के बच्चों को पढ़ाने चले जाओगे ना, वो बच्चे अलग ही लेवल के पागल हो रहे होते हैं, और वो अपने हिसाब से सही है, वो अपने हिसाब से उनके जैसा डूड रॉक स्टार उनके जैसा कोई है ही नहीं। दे आर राइट, तुम भी अपने टाइम पे तुम भी सही थे, मैं भी जब भी मुझे ऐसा लगता था, है पूरी दुनिया मेरे साथ जुल्म कर रही है, हम ही इकलौते सही है, पूरी दुनिया जो है हमारे साथ मतलब क्या करे बदमाशी कर रही है और हम ही जो है वो सही है। तो उस वक्त पर डिसीजन कभी नहीं लिया जाता है। खैर ध्यान दोगे, पहले क्या था, प्रोहिबिट किया था मैरिज, की लड़की की 14 साल से पहले शादी नहीं और लड़के की 18 साल से पहले नहीं। तो अब देखो, एक बार में तो नहीं बढ़ा देता, लोग ऐसे भी नहीं मानते, जिस उम्र में लोग 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में शादी कर दे रहे हैं, वहां पे क्या होगा, शारदा आज अगर बाल विवाह करते हो 18 साल से कम की लड़की से, बेटा बहुत 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 लंबा अंदर जाओगे, बहुत लंबा अंदर जाओगे। अगर उसकी फेक आईडी बना के रखी है, फेक आईडी बना के उससे शादी कर रहे हो, और भी लंबा जाओगे। पहले तो फॉर्जरी करने के जुर्म में, डॉक्यूमेंट की जो फॉर्जरी करी है उसमें जुर्म में, और ऐसा कोई भी चीज जो कि लीगल है वो प्राइम फेशिया वॉइड होता है। शादी सबसे पहले बाल विवाह जो है वो प्राइम फेशिया क्या होगी, वॉइड साबित हो जाएगी। याद रखना, कभी भी गलती से भी इन सब चक्रों में मत पड़ना। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कम जानकारी के अभाव में ये सारी चीजें जो है ये होती है। नेक्स्ट वन, वेनेगर जो है ये यूज किया जाता है आपके खाना बनाने में, वेनेगर को यूज कर, ये कौन सा कंपाउंड यूज करता है? वेनेगर डाल तो खाना थोड़ा पक जाता है, जल्दी पकता है खाना वेनेगर यूज करने से, है ना। सर का तुम कभी देखोगे कच्ची सब्जियां, तुम अगर चाइनीज खाना बना रहे हो, है ना, या बॉयल में तुम्हारा वेनेगर डालते हो, तो अपने आप क्या होता है, पकना शुरू हो जाता है प्रॉपर तेल से, नमक डालने पर पकता है जैसा। एसिटिक 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 एसिटिक, नहीं बेटा लक्ष्मी, आप कहीं नहीं होता है बेटा, बाल विवाह कहीं नहीं होता, सबसे ज्यादा प्रचलित तुम्हारा था उधर राजस्थान वगैरह में, वहां भी अब नहीं होता है, कहीं 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 भी नहीं होता है बाल विवाह। अब जहां भी होता है, अब लड़कियां खुद इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि अब इसके खिलाफ अगर आप एक कंप्लेन कर दोगे ना, बहुत लंबा तगड़ा जाएगा, अरे वो वैलिड ही नहीं है बॉस, किसी एंगल में वैलिड नहीं है। मैं नहीं मानती, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, नहीं होता है। अब तुम 10 साल पहले की बात करो, 20 साल पहले की बात करो ना, ध्यान दो। विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, दूरदर्शन ऑफ इंडिया क्या था? अरे टीवी, टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन।
दूरदर्शन पे किसने देखा था वो, जो बायोस्कोप आता था रात को 11 बजे, एक एक घंटे का पिक्चर दिखाने, 2 भाग पिक्चर दिखाता था, आधा भाग सैटरडे को आधा भाग संडे को। हे भगवान, जल्दी बताओ कितने लोगों ने देखा था। बड़ा ब्लॉक कर देंगे तुमको। मालगुडी डे तो सैटरडे संडे को आता था 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे आता था मालगुडी डे। जूनियर जी, मालगुडी डेज, राजा रैंचो। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेडल्स डिड टोटल इंडिया विन इन द समर ओलंपिक 2020? समर ओलंपिक में 7 जीते था, 7। आगे देखिएगा, ताजमहल जो था, आगरा का जो ताजमहल था, आपको इसके बारे में बताना है। हमारे ट्यूशन टीचर ने हमारे की एज में कर दी थी अपने लड़की की शादी, बट अब वो ट्यूशन टीचर कहने लायक थे नहीं। फिर अगर वो पढ़े लिखे हो के अपनी बेटी की अगर शादी कर दे रहे हैं, तो फिर टीचर कहने लायक है नहीं। शायद उनके आसपास जो लोग होंगे, उन लोगों ने इसकी रिपोर्टें लिखाई होगी, लड़की को नहीं पढ़ाया होगा। इस हिसाब से 1632, 1632 राजस्थान में हर साल तीज के पैसे में बाल विवाह होता है। क्या बात कर रहे हो, आज भी? ताजमहल, ताजमहल 1632 और 1648 दो जवाब हैं जो मेरे पास आए हैं। चलो, जिन जिन लोगों ने 1632 बताया है, आप लोगों को अगर याद आ रहा है 1632 में काम शुरू किया गया था और 1648 में मैम काम को कंप्लीट किया गया था, तो प्लीज एक बार क्या कीजिएगा, समझ सकते हैं कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1648 में क्या किया था, काम को कंप्लीट किया था। बनाने वाले कौन थे भाई? लाहौरी साहब हैं, जिन्होंने ताजमहल को बिल्ड करवाया था। ताजमहल किसने, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बिल्ड करवाया था, मुमताज महल की याद में बिल्ड करवाया था। और औरंगजेब जो है वो बाद में अपनी बीवी के लिए सेम ऐसा ही रिप्लिका जो है वो भी अपनी बीवी के लिए बनवाता है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 23 और 24 में संविधान में किस प्रकार के राइट से आपको डील किया गया है? अगर कोई आपसे जबरदस्ती काम कराता है, कोई आपसे फोर्स लेबर कराता है, क्वेश्चन देख लो, अगर कोई आपसे फोर्स लेबर कराता है, जबरदस्ती काम करा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है मैम? 23, 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के तहत करता है। जल्दी बताइएगा, आर्टिकल 19 कितने प्रकार के फ्रीडम के साथ डील करता है? आर्टिकल 19 कितने प्रकार की फ्रीडम के साथ डील करता है? बताओ जल्दी से, आर्टिकल 19 कितने प्रकार के फ्रीडम के साथ डील करता है? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। ठीक है, फिक्स। आगे बढ़िएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, उस टाइम पे क्या डायमेंशन चल रहे थे इंडिया में, क्या डायमेंशंस हो रहा था पॉलिटिकली, और जैसे भगदड़ मच रही थी इकोनॉमिकली, है ना, लोगों की क्या हालत थी उस टाइम पे, कैसे सिचुएशंस थी, उन सब के बारे में जिक्र किया गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। ये किताब जो है आपकी ये लिखी गई। मिक्स्ड है, डराएगी भी उस वक्त की सिचुएशन, आप तो बस पढ़ के डर रहे हैं। सोचिए जिन लोगों ने फेस किया था उस टाइम पे, उनके बारे में सोचिए उनकी क्या हालत हुई। आगे बढ़ते हैं, कुमारकोम बोट रेस जो आपका है, ये सबसे ज्यादा एडमायर, सबसे ज्यादा मानने जाने वाला, मतलब लोग उसको बहुत मानते हैं, अपने बोट को सजाते हैं, तुम लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पे सितंबर के टाइम पे किस फेस्टिवल में होता है? ओनम में होता है। जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बताइएगा, जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बताइएगा। केरला, 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 कौन, किसने कर्नाटक का है अभी, किसने कर्नाटक का है अभी? केरला। चलो ठीक, गुड। नवरोज बेटा, देखो स्पेलिंग गलत है, नवरोज ये होता है, नवरोज क्या होता है बेटा? नवरोज एक पार्शियन, पारसी का फेस्टिवल है, और इसका मतलब होता है नया दिन, नया साल, नया दिन आता है। इसी को तो बलबन ने एक्सेप्ट किया था ना, बलबन त्योहार लेके आया था ये भारत। चलिए देख लीजिएगा, अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करती है कहाँ पे? अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करती है और गंगा के साथ, गंगा कहलाती है यहाँ पे। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है यहाँ पे। कौन सी जगह है मैम?
देवप्रयाग में, कौन सी जगह? देवप्रयाग। नेक्स्ट वन, आईने अकबरी जो कि थर्ड वे वॉल्यूम है, ये आईने अकबरी किसके साथ डील करता है? ध्यान से समझना, दो चीजें हैं, एक अकबर नामा है, एक आईने अकबरी। अब इसके छंद है, इसमें क्या है मैम, इसके छंद डिवाइडेड है, तो इसका अगर क्या पूछ रहा है, जो थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी का, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, अबू फैजल के द्वारा जो लिखा गया है, इसके तीसरे छंद में अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अकबर अपना राजपाट कैसे किया करता था, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब अकबर का शासनकाल हमेशा, प्लीज प्लीज याद रखो, तीन भाग में विभाजित था। पहला भाग जब उसके चाचा ने राज किया था, बैरम खान ने, उसके अंतर्गत अकबर था। दूसरा शासनकाल जब महामंगा ने राज किया था, महामंगा उसका बेटा, उसके दामाद, जब उसने राज किया था। उसके बाद मैम तीसरे शासनकाल में कौन आता है? मैम तीसरे शासनकाल में आपका आता है कौन? अकबर। ठीक है, और जो धर्म की बात आएगी, तो धर्म याद रखना, अकबर धर्म लेके आया था, दीने इलाही, कौन सा धर्म लेके आया था? दीने इलाही धर्म जो था ये लेके आया था। ठीक है, पीस, ब्रदरहुड, इसके ऊपर। नेक्स्ट वन, इंडिया, हम अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ध्यान से समझो क्या कहा, हम अपना नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं? चलो मैं हिंट देती हूँ, सबसे छोटी बाउंड्री हम शेयर करते हैं इसके साथ। इंडिया 9 देशों के साथ टोटल बाउंड्री शेयर करता है, चलो बताओ। चाइना तो है भी नहीं ऑप्शन में मैम, भूटान। बेटा भूटान के साथ अपना नॉर्थ, उत्तर जो है भारत का उत्तर शेयर करते हैं हम, ध्यान दो, जम्मू कश्मीर, इधर यूपी, बिहार, बंगाल, उसके ऊपर देखो इधर पे चाइना, तिब्बत, भूटान, नेपाल, यानी कि उत्तर में क्या शेयर कर रहे हैं हम? भूटान जो है हम उत्तर में शेयर कर रहे हैं। यस, हो गया सबका मैम। डी 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 डी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर तुमसे पूछेगा कि मैम पूरब में किसके साथ शेयर करते हैं, साथ ईस्ट में किसके साथ शेयर करते हैं, तो ईस्ट में मैम म्यांमार के साथ शेयर, है ना, म्यांमार के साथ कहाँ पे शेयर करते हैं मैम? ईस्ट में शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ कहाँ पे शेयर कर रहे हैं हम? पाकिस्तान के साथ हम उत्तर पश्चिमी एरिया शेयर कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो हम पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सबसे छोटी बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं वो किस साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। टोटल 9 कंट्री है, 9 देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमाओं को साझा करता है। अब इसमें 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम वहां पर जल सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा साझा करते हैं? जल सीमा को साझा करते हैं, यानी कि मैम मरीन वाटर जो है हम मरीन वाला अपना साझा करते हैं। दोनों कौन सी है? मालदीव और। नेक्स्ट वन, 2022 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा लिटरेट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आया है लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा वो कहाँ पे आया है मैम? केरला में आया है। भाई ये आज से नहीं है, जन्मों जन्मों से केरला आ रहा है लिटरेसी रेट में हाई आ रहा है। आगे देख लीजिएगा, घनघोर जो कि एक त्योहार है, ये घनघोर त्योहार कहाँ पे असल में मनाया जाता है? आप लोगों ने कई बार सवाल के बारे में पढ़ा है, सीरियस में देखा हो, घनघोर जो है कहाँ मनाया जाता है मैम? राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में आपका घनघोर को मनाया जाता है। ठीक है, यस यस यस, क्लियर, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज द स्लो मास मूवमेंट इन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस? ध्यान समझो, किसको भू आकृतिक प्रक्रियाओं में, अगर मैं बोलूं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में चल रहा है तो क्या बोलते हैं? मूवमेंट हो रहा है किसी भी चीज का, चाहे मटेरियल का, सॉइल का, स्टीप का, किस स्लोप का, किसी भी चीज का। आगे बताइएगा, प्रार्थना समाज या कि प्रेयर सोसाइटी जो स्थापित की गई थी, कहाँ पे स्थापित की गई थी मैम? बॉम्बे में। कहाँ पे मैम? बॉम्बे में। अच्छा एक बात बताओ, जो रामकृष्ण मिशन तुम्हारा स्टैब्लिश किया गया है वहां पे, अगर तुम कभी जाओगे, इफ यू एवर विजिट रामकृष्ण, कभी भी अगर तुम रामकृष्ण मिशन जाओगे, तो मैंने वहाँ पे प्रार्थना हॉल वहां पे भी दिया होता है, प्रेयर करने का, मेडिटेशन करने का, मेडिटेट करने का। आगे ध्यान देना, मैं ना इस माइक से अलग परेशान हूँ, वो मेरा माइक उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से मुझे ये फालतू सा माइक कनेक्ट करना पड़ रहा है ना, ये मुझसे ना सच्ची वो निकल रहा है अभी, ये जो इतना ये नीचे से लटक रहा है ना, ये भारी सा, इसके चक्कर में ये खिंच रहा है, ये पूरा इसका वायर खिंच रहा है इसका,
अच्छा खासा मेरा माइक कनेक्ट होता था कैमरे से, पता नहीं क्या बजिंग साउंड आ रही है उसमें। रोड वाला माइक जो है उसमें वायर लगेगा अभी एक और। चलो भाई देख लेते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में किसने पे मनाया जाता है 29 अगस्त को? मेजर ध्यानचंद। किसकी याद है नाम? मेजर ध्यानचंद। शाका रूलर जो है आपको बताना है, शाका रूलर इनमें से कौन थे? रुद्रमन, रुद्रमन। यस रुद्रमन, वेरी वेरी गुड। 130 एडी से लेकर 150 एडी तक किसने था? रुद्रमन का चला था। बिंदुसार, अशोका, ये क्या था तुम्हारे? मौर्यन थे। बिंदुसार पूछ देगा तो क्या पूछोगे? मौर्य वंश के थे। बिंदुसार हो गया तुम्हारा, है ना, अशोका हो गया तुम्हारे। भारत के संविधान में हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं पूछा है कि इसके एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। एक्ट से तो हमने डीपीएसपी भी लिया है, एक्ट नहीं पूछा है। आजाद होने के बाद ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द पार्लियामेंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कैबिनेट गवर्नमेंट होगी, रिलेशन और एग्जीक्यूटिव का, और लेजिस्लेचर का। क्या मैम? लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का, रिलेशन। यस यस यस, क्लियर, डन। ये हमने उनसे गौरव किया है। 2022 के सेंसस के हिसाब से तीसरा, ध्यान दो, ऐसे ऐसे सवाल जो होते एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल होते, कि 2022 की तीसरा सबसे कम लिटरेसी रेट किसमें है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है मैम? आंध्र प्रदेश में। आपको पता महिलाओं में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे सामने आया है? आप, मैंने आपको बोला ना, तुम एक जगह पे देखते हो कि महिलाओं को बहुत पढ़ाया जा रहा है, बहुत आजादी दी जा रही है। तुम इंटरनेट का एक भाग देखते हो जहाँ पे महिलाएं अपनी आवाज रख रही हैं, वेस्टर्न क्लोथ पहन रही हैं, है ना, जिम जा रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, किसी प्रकार के कपड़े पहन रही हैं, कहीं भी घूम रही हैं, है ना। तो तुम्हें लगता है कि इंडिया तो बड़ा आगे बढ़ रहा है, आप तो लड़कियां खोल के कहीं भी जा रही हैं, लड़कियां खुद ही कहीं भी कूद सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। स्टिल आप बहुत सारे ऐसे एरिया में, तुम यूपी के चले जाओ ना, यूपी के गाँव में चलो, बिहार के गाँव में चले जाओ, आज भी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी उठा के देख लो, आज भी सेम चीज। हरियाणा सबसे ज्यादा, तुम आज भी वहां पे सेम चीज। तो तुम एक एरिया को देख के नहीं कह सकते हो कि मैम डेवलपमेंट हो रहा है, महिलाएं बढ़े। जैसे सबसे ज्यादा कम साक्षरता जो है महिलाओं की, वो बिहार में है। तो अभी भी टाइम लगेगा कि जब आपको जेन्युइनली पढ़ाना है। देखो एक टाइम ऐसा था कि हमको क्या लेना, हमको डिग्री लेना है। तुमने सुना होगा कई बार कि क्या लेना है, तो हमको डिग्री लेना है। डिग्री ले लेंगे काम खत्म हो जाएगा, नॉलेज रत्ती भर का नॉलेज नहीं है, और एमएससी करके रखे, ये करके रखे, तुम उसको लिटरेसी रेट कहते हो? ऐसे नहीं चलता सिस्टम। ठीक है, चलिए, गुड। नॉट अबाउट प्राउड टू बी वेस्ट इंडियन, नॉट अबाउट प्राउड टू बी नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन और साउथ इंडियन। आप पूरे इंडिया से हैं, और आप, तुम्हारा घर अच्छा है, बकायदा, बस इतनी सी बात है कि तुम्हारा घर अच्छा है, इसलिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट माई होम। मुझे लगता है कि मेरे घर में जितनी भी मेरी कजन होंगी, उन्होंने कर रखा होगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके रखा होगा, लेकिन वो खुद पढ़ने का मन नहीं था, किसी को पढ़ने का मन नहीं था। तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन पाने वाली सिर्फ मैं रही, है ना, बाकी किसी को खुद पढ़ने का मन नहीं था कि अरे नहीं यार मार्क्स ले आएंगे, अच्छा फर्स्ट डिविजन ले आएंगे, हो जाएगा शादी करना। ये तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम सच में कुछ करना चाहते हो। एक थोड़ा पॉइंट तो बहुत कम लोग होते जो लकी होते, जिनके पेरेंट्स वाकई में अच्छे होते, कि वो चाहते कि मेरे बच्चों को हम आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को आगे की तरफ बढ़ाए। मैंने कई केसेस देखे हैं, ट्रस्ट मी, शादी के बाद तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दोनों को एक खराब पार्टनर मिल जाता तो क्राइम होता ही होता है। जो सह लेता है, शांत रह लेता है, वो बच जाता है, बोल लेता है, उसका क्राइम होता है। हमने ऐसा 100 केस दे रखे, देख रखे हैं कोर्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पाँव पे खड़े रहो, आगे बढ़ोगे। एक डिजीज है, अब ध्यान से सुनो, ये फीमेल मॉस्किटो है, ये जो मॉस्किटो देख रहे हो ये फीमेल मॉस्किटो है, एडिस एडिस आते हैं आप मॉस्किटो। ये अपने अंडे देती है वाटर लॉक प्लेसेस में, क्या बोलते हो, कि कहीं भी पानी मत जमा होने दीजिए। अब तुम बोलोगे मलेरिया, तो मैं बोलूंगी नहीं, इसलिए मैंने वहां पे तुमको नाम लिखा है इसका, क्या है, इस मच्छर से क्या होता है, डेंगू। क्या होता है? डेंगू होता है। प्लेटलेट्स जब कम होने आपके शुरू होते,
मैंने डिग्री 7 साल में कंप्लीट करी है। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, हमारे यहाँ ना कूट दिया जाता, कूटना कहते ना, कूट दिया जाता हमारे यहाँ पकड़ के, 4 साल की डिग्री 7 साल में खत्म कर रहे हैं। तो ना फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, जो फॉरेस्ट, ध्यान से सुनो, जो फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल रिसीव कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अरे बारिश तो हो ही जा रही है यहाँ पे, बारिश तो हो ही जा रही। अच्छा मुझे बताओ, मैं रेगिस्तान यानी मैं डेजर्ट कब बोलूंगी किसी, मैं रेगिस्तान या डेजर्ट कब बोलूंगी किसी जगह को, कब बोलूंगी, कितना बारिश होना होगा, 25 सेंटीमीटर से कम, बिलो 25 सेंटीमीटर। यहाँ मतलब लिख दिया है ऊपर में, स्टिल तुम लोग का गलत जवाब आ रहा है। कई लोगों का 25 सेंटीमीटर से जहां कम की बारिश होती है हम उसे डेजर्ट बोलते हैं। ये नहीं, यहाँ बालू है, डेजर्ट हो गया। ना ना ना, उसे कोल्ड डेजर्ट भी होता है उस हिसाब से, तो कैसे देखा जा रहा है भाई। जहां 25 सेंटीमीटर से कम का आपका है एरिया मतलब बारिश, उसे बोलते हैं। ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो में जो सबसे विशाल स्नान घर जो प्राप्त हो, देखो दो तीन सवाल एकदम पक्के हैं जो एग्जाम में आते हैं। विशाल स्नान घर, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी, लोथल कौन सी जगह थी, कपोट कौन सा जगह था, ये पूछा जाता है। तो ये आप देखो दो सवाल मिल गए। ग्रेट बाथ जो है ये कहाँ से पाया गया था, मोहनजोदाड़ो से पाया गया था। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, लाशों का टीला कह लो, मृत शरीरों का टीला कह लो, ये रेक्टेंगुलर शेप में था, शेप में रेक्टेंगुलर शेप में था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में पाई गई थी, तो क्या बताओगे, मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी, हड़प्पा में पाई गई थी, कहाँ पे पाई गई थी, जल्दी बताइएगा बेटा। वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है, वीडियो कहीं बफर नहीं हो रही है, मेरे सामने चल रहा है यूट्यूब। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, सबसे ज्यादा मोहनजोदाड़ो में था बेटा, 40,000 लोगों का सेटलमेंट। मोहनजोदाड़ो को देख के क्या कहा गया था कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो 40,000 लोगों का यहाँ पे क्या था मैम, सेटलमेंट था। आगे देखिएगा, बाबा साहेब ने 20 पेज की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा था, ध्यान से समझिएगा, जिनमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा था, और उसके बारे में उन्होंने बताया था कि अनटचेबिलिटी के साथ क्या उनका एक्सपीरियंस, उनसे क्या ऐसा रहा था, लोग उस टाइम जो चलता था ना भेदभाव, कहीं ना कहीं जाति को, धर्म को लेकर, ये आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी वगैरह में इसको पढ़ाया जाता है। यस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनकी ऑटोबायोग्राफी को आज भी पढ़ाया जाता है। क्या था मैम, वेटिंग फॉर अ 1935 से 36 उन्होंने इसको लिखा था। केलुचरण मोहपात्रा साहब जो हैं, आपको बताना है कि मैम ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये नृत्य कौन सा है मैम, उड़ीसा का नृत्य है, कौन सा है, उड़ीसा का। आगे देखिएगा, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, जल्दी से, किन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौट चलो, किन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौट चलो, बैक टू वेदास, क्या मैम, बैक टू वेदास, इन्होंने कहा था बैक टू वेदास। इनके बचपन का नाम मूला शंकर था, बचपन का नाम क्या था मैम, इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, दयानंद सरस्वती, क्लियर, कोई डाउट किसी को कहीं पे, कोई डाउट किसी को कहीं पे, दयानंद 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 दयानंद, ठीक है चलिए ओके। आगे बढ़िएगा, मैंने बोला FRMB एक्ट जो कि 2003 की इंडियन इकोनॉमी में आपने सुना था, उसमें FRMB था क्या, जल्दी से, FRMB, फिस्कल 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, का क्या था फुल फॉर्म, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
मैनेजमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, और ये बिल सबसे पहली बार 2000 में लाया गया था। बिल पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, और 2003 में जाके ये बिल जो है आपकी क्या होती है, ये आपकी बिल पास होती है। क्या कहा मैम? 2003 में आपकी बिल पास होती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? मैम फादर ऑफ जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैम फादर ऑफ जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। चलिए, याद रहेगा यहाँ तक? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2000 में अटल जी के द्वारा लाया गया था, 2003 में इसको फिर पास किया गया। फिर नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा कानून जो है ये एप्लीकेबल है फॉर द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस? क्या बोले मैम? टू पॉइंट चार्जेस का तो आसान है मैम, इट इज कोलंबस लॉ। फेलियम एनरिडा, जो कि एनिमल किंगडम के बारे में अगर बात करते हैं तो बताओ, अर्थवॉर्म ये रहता है अपनी छोटी सी गुफा बना के, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनो, मैं हिंदी में भी कर दूंगी, क्या कह रहा है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया है ताकि लड़कियों को एनरोलमेंट दिया जा सके सेकेंडरी लेवल पे, ये इंश्योर करने के साथ कि उनको स्कॉलरशिप मिले। ये लाने वाली कौन है? राजस्थान सरकार लेके आई है। और इसका मकसद क्या है मैम, इसके पीछे का लाने का वो समझना, इसका मकसद है कि जो लोग योग्य हैं, जो क्या है, जो लोग आपके योग्य लोग हैं, उन योग्य लोगों को क्या हो, उन योग्य लोगों तक स्कॉलरशिप पहुंचे, और लोग अपनी पढ़ाई कुछ पैसों की वजह से या कुछ आर्थिक कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ना करें, एक प्रोत्साहित किया जा सके आपको, हाँ जाओ पढ़ो, है ना। इसलिए नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है, आप लोग का जो टीनेज चलता है वो कितने साल से कितने साल के बीच में, आपका वो टीनेज वाला जो आपका टाइम होता है कितने साल तक रहता है? WTO के, क्या बोल रही हो, WTO बोल रही हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हो, WHO के हिसाब से 10 से 19। प्रोतिश विश्वास, खूब बालो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। हेल्थ बिल आया है, गुड अभिजीत अकबर, क्या क्या बोला मैम? 10 से 19 साल के बीच को बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, 10 साल के 19 साल के बीच में आपका क्या चल रहा होता है, आपका एज का फेज जो है वो इसी दौरान पर आपका चल रहा होता है। आगे देखिएगा, पंडित शिवशंकर शर्मा जो है ये आपके किस इंस्ट्रूमेंट से इनका नाम जुड़ा हुआ है? मैंने क्या बोला था आपको कि सितार की तरह ही होता है, बस इसके लेंथ में या आपका जो इसका हेड है ना, सितार का जैसे हेड होता है ना, वहां पे थोड़ी सी इसकी बनावट में चेंजेस है। ये कौन सा है मैम? हाँ, अरे सरोद बोलिए, संतूर, संतूर। आइए देखिएगा, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, पहले लॉ ऑफिसर कौन होते हैं मैम? अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अगर इनके बारे में मैं बात करती हूँ तो इनका कार्यकाल कब तक का रहता है? या तो ये 65 वर्ष होने पर रिटायर हो जाएंगे, या फिर इनका 6 साल जैसी हो जाएगा कार्यकाल का, तो कार्यकाल के 6 साल बाद ही इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं? क्या नहीं अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट? क्या ये पार्लियामेंट टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, इट मींस एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट, वेदर इट कैन बी राज्यसभा, लोकसभा, यस मैम, बट वोट नहीं कर सकते। एजीआर एंड वेंकटम न्यू एजीआर, वेरी गुड अभिजीत, एवरीवन, बहुत अच्छे। क्या बोला हमने कि मैम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं, दोनों हाउस में से जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, ये उसकी प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, है ना, वोटिंग राइट्स, क्लियर। सो आई होप गाइस कि अभी का सेशन जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और पता नहीं क्यों मेरे पास इतने सारे मैसेजेस क्यों पड़े हुए रहते हैं। मैं अलग अलग ग्रुप में लोग ज्वाइन करवा देते हैं। गाइस आप लोग के लिए अभी एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है और उसके साथ ही आप लोग जो ऑफर लेके आया जा चुका है, सिलेक्शन मुबारक ऑफर है, तुम्हें सीजल के साथ। अब देखो 2023 तुम सिर्फ किस एग्जाम का तुमने फॉर्म भरा है, तुम इस एग्जाम के फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अभी 2023 है, इलेक्शन 24 में, यानी कि अभी भर्तियों की भरमार लगने वाली है। तुम कॉन्फिडेंट हो अपने इस एग्जाम के? वेल एंड गुड, बैकअप हर कोई लेके रखता है। जिन्होंने सीजल निकाल के रखा वो भी सीजल भरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीजल एसएससी सारे एग्जाम जो हैं आपके कवर हो रहे हैं, जस्ट 603 रुपये में आपको कवर हो रहे हैं। और इसके लिए कूपन कोड आपको क्या लगाना है? दिव्या का कूपन कोड आपको लगाना है। क्या कूपन कोड क्या रहेगा मैम हमारा? कूपन कोड रहेगा आपका कैपिटल लेटर में दिव्या, मेरा नाम दिव्या, ठीक है। अगर तुमको सीजल एग्जाम के साथ पास चाहिए, पास प्रो में क्या मिल रहा है कि मैम जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हैं वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बार बार टेस्ट को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डाउनलोड कर सकते हो, है ना, टेस्ट दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, बार बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है दिव्या का आपको कूपन कोड जो है आपको यूज करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही बात करें अगर आप सीएचएसएल के बारे में, एमटीएस के बारे में, तो वो 269 रुपीज आपको बैच जो है पूरा का पूरा आ रहा है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर बहुत ही जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों से अब हम मिलेंगे कल सुबह के 8 बजे, तो रेडी रहिएगा सभी हमसे मिलने के लिए कल सुबह के 8 बजे स्टार्टिंग जीके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, मुस्कुराओ। गुड नाइट मैम, टेक वायरस ग्रीन वेजिटेबल, ओके डन। मैं अभी सारी पीडीएफ भेज दूंगी सुबह से लेकर, जितनी पीडीएफ है ना मैं अभी सारे भेज दूंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।